नमस्कार दोस्तों, आराध्या की रसोई में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक बार फिर एक न्यू रेसिपी लेकर आए हैं, जो है हमारे फ्राई बैंगन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक फ्राई बैंगन की चटपटी सब्जी। तो ये देखिए, उसके लिए हमने ये चार पतले पतले वाले बैंगन होते हैं वो लिए हैं। उसको हमने इस तरीके के पीसेस कर लिए हैं, ये देखिए इस तरीके से गोल गोल काट लिया है। और इसमें हमने दो आलू भी ऐड किए हुए हैं, ये देखिए वो भी हमने इस तरीके से गोल गोल काटे हैं, ये देखिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये हमने तीन से चार प्याज काटी हुई है, कुछ हमने हरी मिर्चा काटी हुई है, और टमाटर का पेस्ट है, ये हमने टमाटर को ग्राइंड कर लिया है। प्याज हमने ग्राइंड नहीं किया है, प्याज हम ऐसे ही काट के डालेंगे, बट हम टमाटर को ग्राइंड करेंगे। हरा धनिया ले लेंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ है ये देखिए, और हमने ली है दही। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दही, तो आज हम जो सब्ज़ी बनाएंगे उसमें हमारा दही का यूज़ होगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करते हैं कि हम इसकी रेसिपी कैसे बनाएंगे, तो हमारे साथ आप बने रहिए। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए हमने एक थाली में दही डाल ली है, कुछ इसमें हमने हरी मिर्चा और हरा धनिया डाल दिया है, नमक डालेंगे, और थोड़ा हम इसमें काला नमक डालेंगे। काला नमक का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है टेस्ट, तो काला नमक डालेंगे। अपना हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, और थोड़ी हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये हमारी मिर्च वैसी है जो मतलब तीखी होती है, और थोड़ा ही हम इसमें देगी मिर्च डालेंगे। तो ये सारे मसाले हमारे इसमें ऐड हो गए हैं, और ये है हमारा भुना हुआ जीरा, देखिए ये हमने भून लिया है, इसको हमने पीस लिया है। अब हम ये भी अपने इस मसाले में ऐड करेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है इसी तरीके से। तो ये हम आधा चम्मच में भुना हुआ धनिया ऐड करेंगे, सारी चीज़ों को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। इस तरीके से आपको सारे मसाले अपने इसमें तैयार अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। तो ये देखिए, हम इस तरीके से अपने बैंगनों को इसमें डिप करेंगे, हमने तवे में हमसे फ्राई करेंगे, तो ये हमारे तवे में ऑयल गर्म हो चुका है। तो ये देखिए, अब हम इसे ऐसे डिप करके हमें इस तरीके से बारी बारी में पलटना है। ऐसे ही अपने सारे बैंगन को फ्राई करेंगे जब तक हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, हमें ऐसे ही है फ्राई करना है। देखिए हमारे बैंगन फ्राई हो गए, अब इसी तरीके से हम अपने आलू को भी फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, इसी तरीके से हम अपने आलू को भी फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमें इस तरीके से इन्हें फ्राई करना है, ये देखिए इस
तरीके से ही हम अपने सारे जितने हमने बैंगन काटे हुए हैं हम सारे के सारे इसी तरीके से फ्राई करते हैं। ये देखिए अब हम इसका मसाला तैयार कर रहे हैं अपनी सब्जी का, तो उसके लिए हमने तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने देखिए हींग को पीसा हुआ है। हींग बहुत ज़रूरी है। हींग से क्या होता है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें ये डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए हम अपना हींग का यूज़ ज़रूर करेंगे और बैंगन में तो ज़रूर ही करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम ज़ीरा, देखिए, और जो हमने प्याज काटी हुई थी अब हम इसको और इसी तरीके से हम हल्की हल्की ब्राउन करने के लिए इस प्याज को भूनते रहेंगे। हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें जो हमने अपने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ था उसको भी डाल देंगे। मसाला जितना ही अच्छा भुना जाएगा तेल में उतना ही इसका पेस्ट बढ़ता ही चला जाएगा। हर चीज़ को बहुत अच्छे से आपको भूनिए, फिर से आप अच्छे से डाल देंगे हर चीज़ को। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी हम इसमें देगी मिर्च ऐड करेंगे, जिससे हमारा कलर बहुत ही अच्छा आएगा इसके सब्जी का। थोड़ी सी ये सब्ज़ी हम ग्रेवी वाली ही बनाएंगे, ज़्यादा हम इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखेंगे, थोड़ी रखेंगे, बट ये थोड़ी सी हम इसको ग्रेवी वाली ही बनाएंगे। थोड़ी डिफरेंट तरीके की बनेगी ये सब्ज़ी। तो अभी हम इसको देखिए हम मसालों को इसमें भून लेते हैं। तो ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है, ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से भून गए और ये देखिए ऑयल भी बिल्कुल ऊपर आ चुका है। तो बस अब हम इसमें लास्ट में जो ऐड करेंगे वो है हमारा टमाटर जो हमने ग्राइंड किया हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे क्योंकि हमने अपने कहा था हम इसको हल्की ग्रेवी वाला ही बनाएंगे। तो अब हम सारे टमाटर जितना है हमारा हम इसको अच्छे से 15-20 से मिनट पकने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए हमने इसे 15-20 मिनट के लिए आपकी ग्रेवी को अच्छे से पका लिया है। ये देखिए हम इतनी ही ग्रेवी रखेंगे और हम इसमें जो हमने हमारे फ्राई आलू और बैंगन है अब हम उसको अपनी ग्रेवी में डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से अब ऐसे ही हम इसको और पकने देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। और एक बार इस तरीके से बैंगन बना के ज़रूर देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो अभी हम 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पकने देते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं हमारी सब्ज़ी बनके जब पूरी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है और देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी का कलर कितना ही अच्छा आया है और ये बिल्कुल बनके तैयार है बिल्कुल खाने के लिए। और देखिए आप, तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से बैंगन आलू बनाने की और बनाकर हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कैसी लगी हमारी रेसिपी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।